हेलो एवरीवन कैसे हो सभी लोग तो आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बहुत पेपर आपका आ ही गया है अब सात तारीख को है तो देखिए मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ और ये मुझे लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये शायद से बहुत सारे बच्चे इसके लिए परेशान भी रहते हैं जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाए जिससे कि आपके दो चार सवाल बन जाएँ ठीक है ना तो अगर कोई बच्चा अपने दो चार सवाल बनाना चाहता है तो वो तसल्ली से बैठ के वीडियो देखे और अगर कोई बच्चा एक घंटा नहीं पढ़ सकता है एक टॉपिक को जिसमें से चार सवाल आने हैं तो वो वीडियो छोड़ के चला जाए केवल आप इसे चेक करने के लिए ना आए कि भाई ये चेक करने के लिए यहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हो ठीक है ना तो और दूसरी बात यह है कि यार मेरे को ये बनाने का मकसद इसलिए है कि मुझे पता है कि ये समस्या है जो जो मैंने झेला हुआ है तो मुझे अभी ख्याल आया कि यार ये बत कर कर देना चाहिए आपके लिए ना तो इसलिए मैं बना रहा हूँ आप ये ना सोचना कि मेरा बहुत ज़्यादा इसमें कोई हित होने वाला है ठीक है ना तो करते हैं वीडियो को शुरू ज़्यादा बकवासबाजी नहीं करते हैं चैनल वैनल देख लेना सब्सक्राइब करना है नहीं करना है तो बाद की बकवास है तो पहला काम है हमारा यही कि हमें टॉपिक पढ़ लेना क्योंकि यार ये फंस जाता है सवाल पेपर में ज़रूर ध्यान से देखना जहाँ मैं बोलूँ वही पेपर है वही सवाल है वही आएगा पहला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई फ़ादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी जो है वो आपके एरिस्टोटल हैं ठीक है मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है तो आप ध्यान रखोगे वॉन बियर जो हैं वो आपके मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं एम्ब्रियोजेनी क्या होती है गेमेटोजेनेसिस क्या होती है ये सब नहीं जानना है स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पता है क्या होता है स्पर्म का बनना वो जेनेसिस एग का बनना होता है योग का बनना विटेलोजेनेसिस कहलाता है ये ध्यान रखना अब जो मेन सवाल है वो यहाँ पर है कि ये एग के टाइप पूछे आते हैं और हम जैसे बच्चे जो होते हैं बेचारे हमसे ये एग के टाइप का सवाल कभी होता ही नहीं है तो ये छोटी सी चीज़ें हैं ज़्यादा नहीं है मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा वही कम कम चीज़ें आपको बताऊँगा ये आपको याद करनी है देखो देखो जी एलिसल एग होता है हमारा मनुष्य का ह्यूमन बीइंग का तो यहाँ पर मैमल्स में आपको एलिसितग मिलेगा जिसमें योग आपका रहता है एबसेंट योग नहीं मिलता है नेक्स्ट है माइक्रोबैथल और ओलिगोलिसल ये आपका एम्फ्योक्सस मिलेगा अब देखो यार एम्फ्योक्सस आपके कोर्स में है तो इसका सवाल आना बनता है एम्फ्योक्सस का याद कर लेना माइक्रोबैथल और ओलिगोलिसल एग होता है नेक्स्ट है मिजोलिसितल थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग हो जाएगा तो ये एम्फीबियंस में और पेट्रोमाइजोन डिप्नॉय फिश जो होती हैं आपकी लंग फिश वगैरह वहाँ पर पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट है मैक्रोलिसिटल और मेगालिसिटल ये आपका रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एग होते हैं जहाँ पर आपका भर भर के योग होता है योग की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है ठीक है जी तीन चीज़ें होगी नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ योग द एग आर क्लासीफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स नंबर वन आइसोलिथी देखो यार डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज़ है अमाउंट अलग चीज़ है अमाउंट के हिसाब से माइक्रो मेगा होगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होगा आइसोलिसित है मतलब पूरे में फैला हुआ है बराबर मात्रा में या केवल सेंटर सेंटर पे है या फिर किनारे पर टीलोलिसल है तो ये ध्यान आपको रखना है तो लिखा है यहाँ आइसोलिसितल और होमोलेसितल यानी कि बराबर ही सारे में फैला हुआ है तो ध्यान रखना प्रोटोकोलडेटा में और इकाइनो डर्मेटा में ऐसा होता है आपका आइसोलिसितल होता है इकाइनो का तो सवाल नहीं आता प्रोटोकोडेट का आ सकता है नेक्स्ट है सेंट्रोलिसल ये इंसेक्ट का सवाल है भयंकर सवाल है पेपर में जरूर आता है इंसेक्ट के एग में आपका सेंटोलिसल योग होता है सेंटर पे पाया जाता है ठीक है ना जी चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज टीलोलिसल टीलोलिसल मतलब टीलो मतलब टेल आप समझ लेना मतलब पीछे का पार्ट तो किनारे पे पाया जाता है तो यहाँ लिखा है कि योग जो है वन पोल पर पाया जाएगा एक पोल पर मिलता है इसमें ऐसा आपको एम्फीबियंस और बर्ड्स में देखने को मिलेगा तो ज़्यादातर आपका सवाल जो होता है वो एम्फीबियन और बर्ड का ही पेपर में होता है तो ध्यान रखना टीलोलिसित मतलब एम्फीबियन और बर्ड ठीक है जी चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं ये दिए पढ़ लेना कि पोल टुवर्ड द योग इज़ नोन एज द वेजिटल पोल जिधर योग होता है उधर वेजिटल पोल होता है और जिधर योग नहीं होता जिधर इनर सेल मास वगैरह होते हैं उधर आपका एनिमल पोल होता है नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन यहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा फिर ये एक सवाल आएगा ये आपको याद करना है कि भाई स्पम्प की जो सरफेस होती है उसके ऊपर एंटी फर्टिलाइजन हो जाए और फीमेल में आप ऐसे याद कर लेना फ़ीमेल में फर्टिलाइजन होता है बस इससे आपके याद रहेगा कि फीमेल में फर्टिलाइजिन है और मेल में एंटी फर्टिलाइजिन है बा, बाकी बकवास नहीं याद करनी बस इतना याद करना यही आएगा ठीक है चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है ये ओवी पेरस ओ वी पेरस और वी, वी पेरस कौन होते हैं तो भैया अंडे देने वाले ओवी पेरस होते हैं फ्रॉग रेप्टाइल बर्ड्स एक्सेट्रा ये ओवो वी वी पेरस जो होते हैं ये आपके नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं मतलब इनमें प्लेसेंटा नहीं होता है ये ध्यान रखना नो प्लेसेंटा आकर ये ओवो वी वी पेरस होते हैं एंड नरिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय द योग सम फिशेस कुछ फिशिज़ में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आपकी औस्टिक थीज़ की मेंबर भी होती हैं शायद से उसमें आपको मिल जाता है नेक्स्ट है वीवी पैरस वीवी पैरस मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं वो जहाँ पर आपको प्लेसेंटा मिलता है वो मतलब ये मैमल्स की बात हो रही है ठीक है चलिए नेक्स्ट है क्लीवे तो क्लीवे से यार सवाल इस बार आया था और बच्चों से हुआ नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था यार ये है ना तो देखो यार तीन टाइप के यहाँ बताए गए चार टाइप के होलोब्लास्टिक इक्वल होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होलोब्लास्टिक इसके दो टाइप हैं फिर मीरोब्लास्टिक है देखो जी होलोब्लास्टिक में आपको कुछ नहीं बकवास याद करनी है आपको याद देखना है कि जब जायोट आपका पूरी तरह डिवाइड हो जाए मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसको होलोब्लास्टिक बोलते हैं ये आपको ऐसा माइक्रोलिसिसिथल और मेजो में देखने को मिलेगा इसमें आपको याद करना है इक्वल होलोब्लास्टिक का एग्जाम्पल एम्फी और इकाइनोडरमेटा और प्लेसेंटल मैमल ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सवाल है देखो जी यार याद कर लेना इक्वल होलोब्लास्टिक मिलेगा एम्फियोक्स इकाइनोडरमेटा और प्लेसेंटल मैमल में अनइक्वल होलो प्लास्टिक आपको मिलेगा कहाँ पर ये फिश में और एम्फीबियन में देखो यार इस पर मैंने तीन चार बार मार्क किया हुआ है ये इस बार पेपर में आ गया था एम वाला सवाल ठीक है ना जी देखो आया हुआ है आप ध्यान रखना ऐसा यहीं से सवाल आएंगे जो मैं बता रहा हूँ बाकी नोट्स वोट्स आपके पास जो होंगे वो सब बेकार कहा कहानी होगी मुझे तो पता नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है अन एकवल होलो प्लास्टिक क्लीवेज प्रोड्यूस ब्लास्टोमियर्स ऑफ अनईक्वल साइज एन द अपर फोर ब्लास्टोमियरस आर स्मॉलर माइक्रोमर्स एंड देट आर लोअर फोर लार्जर ये एक बकवास याद नहीं करनी है बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही कि अन एकवल होलो प्लास्टिक मिलता है बस याद कर लो फिशेज में और एम्पीबियंस में नेक्स्ट है जी मीरो प्लास्टिक कहाँ मिलता है भाई देखो जी मीरोप्लास्टिक जो है वो एक एंड पर जो है एक जगह पर आपका रेस्ट्रिक्टेड होता है क्लीवेज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू तो द स्मॉल साइटोप्लाज्मिक कैप एट द एनिमल पोल एंड रिजल्टिंग इन द राउंडेड एम्ब्रियोनिक डिस्क सो इज द डिस्कॉर्डल क्लीवेज यार डिस्कॉर्डल क्लीवेज आपका कहाँ मिलता है मीरो क्लीवेज इज फाउंड इन द मैक्रो और ये सवाल है भैया इस बार ये आएगा गारंटी है मीरो क्लीवेज इज़ फाउंड इन द मैक्रो और पोली एग जैसे मोस्टली फिश में मिलता है रेप्टाइल में मिलता है बर्ड में मिलता है एग लिंग मैमल्स एक डिना प्लेटिपस वगैरह में मिलता होता है तो यार इसको ज़्यादा गोर दे के कर देना याद प्लीज़ हैं ये सवाल है बढ़िया पेपर में आने वाला ठीक है जी चलिए नेक्स्ट सुपरफिशियल क्लीवेज भैया ये कहाँ मिलता है देखने को आपको इंसेक्ट में जहाँ पर आपका सेंट्रोलिसल होता है एग वहाँ पर और कुछ आर्थोपोड़ा में तो इसका सवाल नहीं आएगा पेपर मुझे पक्का यकीन है ठीक है नेक्स्ट जी स्टेप्स क्या होते हैं जी भाई पहले तो आपको पता ही है पहले डिवीज़न होकर मोरूला बनता है तो मोरूला का सवाल जब भी आज तक देखा गया यही देखा गया है कि सॉलिड बॉल किसको बोलते हैं सॉलिड बॉल मोरूला को बोलते हैं भाई होलो बॉल किसको बोलते हैं ब्लास्टूला को बोलते हैं उसमें आपका फ्लूड भरा रहता है उसके अंदर कैविटी ब्लास्टोसील होती है उसके अंदर ब्लास्टोमियर्स होते हैं उसके, ब्लास्टो है। उसके बाद आपका ब्लास्टूला से गेस्टूला बनते हैं तो यार ध्यान रखना जब गैस्टूला बनता होता है तो उस टाइम पर आपका मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ऑफ सेल होता है तो ये लाइन वाला सवाल जो मैं बता रहा हूँ ये आएगा, आएगा आपके पेपर में ना जब भी गेस्टुलेशन का क्वेश्चन पेपर में आएगा ना कभी भी ये ध्यान रखना सीधा ये आएगा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट बस इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा गेस्टुला का तो ये तो आते तो फिर एक मोरूला के बाद गेस्टुला बनता है वो अलग बात है लेकिन आप ध्यान रखना गेस्टुला जब भी पूछा जाए मतलब यही सवाल पूछा जाएगा मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ऑफ सेल्स तो वो क्या होता है आपका गेस्टुलेशन होता है तो इसमें यार देखो इसमें फर्दर टाइप्स हैं ईपी बोली एम बोली इसका सवाल आते हैं तो बच्चों से ये भी नहीं हो पाती यार ये भयंकर सवाल होते हैं मतलब ये हिसाब खराब कर देते हैं आदमी का तो ये थोड़ा देख लेना ध्यान से यार ईपी बोली मतलब देखो ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ वन पार्ट ऑफ अनदर लाइक प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल ब्लास्टोमियर तो मतलब ये एक्टोडर्मल ब्लास्टोमियर्स अगर मूव कर रहे होते हैं तो मतलब ये क्या होता है ए होता है ओवर द रेस्ट ऑफ द ब्लास्टोमियर्स एम्बोली क्या है इट इज़ द मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट लाइक माइग्रेशन ऑफ एंडोडर्मल मीजोडर्मल नोटोकोड सेल्स तो मतलब ये बस थोड़ा ध्यान रखना अगर आपका एक्टोडर्मल लेयर के मूव कर रही है तो मतलब वो ई बोली है एम कर रही है तो मतलब आप ध्यान रखना एंडोडर्मल मीजोडर्मल और नोटोकोड वाली सेल्स जो होती हैं वो आपकी अगर मूव कर रही हैं ध्यान रखना सरफेस से अंदर की तरफ तो ये थोड़ी सी ख़तरनाक बात है सरफेस से अंदर की तरफ अगर मूवमेंट हो रहा होता है तो उसमें फर्दर टाइप्स हैं आपके इन्वोल्यूशन इन्वेजिनेशन इन्ग्रेसन और डिलेमिनेशन जैसे हमारे में भी ह्यूमन बींग में भी आपको मिलेगा ऐसा यही एम्बोली हमारे में भी होता है डिलेमिनेशन उसको वहाँ पर बोला जाता है ये ध्यान रखना तो ये यहाँ तक ये यार ध्यान रखना एम्बोली मतलब चार टाइप की होती है तो इसमें से आपको ये तो याद नहीं करना है कि इसमें क्या होता है हमारे में डिलेमिनेशन होता है फिर भी याद कर लेना ड्यूरिंग गेस्टोलेशन ब्लास्टोसील ग्रेजुअली ओब्लीटेटेड मतलब ध्यान रखना ब्लास्टोसील जो है फाइनली ग्लास्टुलेशन के बाद आपकी आर्केंट्रोन बन जाती है कई बार ये सवाल आता है आर्केंट्रोन का आर्कन कंट्रोन कहाँ देखने को मिलती है क्या है तो आप ध्यान रखना ये कैविटी होती है गैस्ट्रोसील जो होती है गैस्टुलक कैविटी होती है जो कि एंडोडम से लाइंड होती है ये सवाल आता है बहुत ज़्यादा ब्लास्टोपोर इसकी ओपनिंग को कहते हैं बाद में आपको पता ही है कि ब्लास्टोपोर्स जो होता है वो आपका फर्दर एनस बनता है कि माउथ बनता है वो ड्यूटेरोस्टोमिया प्रोटोस्टोमिया इसी के बेस पर है यहाँ लिखा है कि ब्लास्टोपोर द ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रोन विच एब्सेंट इन तो यार देखो जो एमनियोटा है भैया उनमें आपका ये एबसेंट है ब्लास्ट आर्केंट्रोन ठीक है प्लास्टोपोर्ड जो है वो आपकी क्या है एबसेंट है एमनियोटा में तो ये थोड़ा ध्यान रखना ये सवाल पेपर में आने वाला है नेक्स्ट लिखा है ऑर्गेनोजेनिक कुछ नहीं करना है यहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा फिर तीन लेयर जो फेट है इनका भविष्य क्या है इन लेयर्स का उस पर हम बात करते हैं देखो मैं आपको एक तुक्का मारने की चीज़ सिखाता हूँ तुक्का कैसे मारते हैं एक्टोडर्म अगर पूछे तो जहाँ सेंसरी है ना वहाँ आपको बिना सोचे समझे एक्टोडर्म लगा देना है ठीक है जहाँ भी सेंसरी आपको लगे तो सेंसरी एरिया में आप क्या लगा दोगे एक्टोडर्म लगा देना बिना सोचे समझे तो उसमें तो आप दिमाग नहीं लगाना ये सब आपके याद रहेगा फिर सेंसरी में ब्रेन वाला जो हिसाब किताब है ना वहाँ सब एक्टो लगाना नाउस रेटिना लेंस कौर्निया यहाँ सब आप बिना सोचे समझे दिमाग का प्रयोग बिना करें लगा देना अपना ये क्या बोलते हैं उसको एक्टो ठीक है जी फिर आप ध्यान रखना लेंस कोर्निया ये देखो आई का पार्ट है सारा लेंस भी कोर्निया भी ये सारा आई का पार्ट है आपका तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको वही मिलेगा क्या बोलते हैं उसको एक्टो ही मिलेगा ठीक है ना कंजक्टिवा ऑफ लाइनिंग ऑफ नेसल चैम्बर ईपी टर्मल क्यूटेनियस ग्लैंड हेयर्स नेल ये सब सेंसरी है ये सब बाहर का एरिया है हाइपोथेलेमस पीनियल ग्लैंड न्यूरो हाइपोफाइसिस एडिनल मेडुला अब सवाल जो पेपर में आने वाला है जो आपका फंसेगा वो फंसने वाला सवाल भाई एक ही है मैं जो बता रहा हूँ आपको वो ये है कि आपका एडिनल मेडुला का क्वेश्चन फंस जाएगा ध्यान रखना एडिनल मेडुला का सवाल आपका फंस जाएगा एडिनल मेडुला का क्वेश्चन आएगा पेपर में ये याद रखना है कि एडिनल मेडुला जो है वो एक्टोडर्मल होती है जो एडीन बनाती है वो एक्टोडर्मल होती है स्लैवरी ग्लैंड इनेमल ऑफ टीथ ये सब एक्टोडर्मल है ठीक है जी मीजोडर्म में से आपका सवाल जो आएगा वो एडिनल कोटेक्स वाला टफ सवाल होगा बाकी अगर याद कैसे रखोगे आप इसको याद कैसे करना है ये आप सोच रहे हो तो आपको याद करना है जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है भाई जो कनेक्टिव टिश्यू है तुक्का तो मार देना मीजोडर्मल है बात सोचना मत कुछ भी कनेक्टिव टिशू सोच के मीजोडर्मल लगा देना जैसे ब्लड भी एक कनेक्टिव टिशू है ब्लड के साथ हार्ट जुड़ा हुआ है तो ब्लड के साथ ब्लड वेसल भी जुड़ी हुई होंगी तो वो सब सारा आप कनेक्टिव में कर देना यूरो जेनाइटर में गुनाट्स आपको पता होंगे गुनार्ट्स आपके कैसे होते हैं कनेक्टिव होते हैं ठीक है जी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका एंडोडर्म तो एंडोडर्म में आपको याद करना है कि जहाँ भी ट्यूब है ना ट्यूब बस वो एंडोडर्म लगा देना तो जैसे एलिमेंट्री कैनाल है तो उसके साथ जुड़ा हुआ लीवर है उसके साथ जुड़ा हुआ पेनक्रियाज है उसके साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसके साथ आपका देखो यूरिनरी ब्लैडर है ये भी डक्ट है ट्यूब जैसा होता है मतलब खोखला होता है वहाँ भी आपका एंड्रोड्रमन लगाना रेस्पैट में भी ट्यूब होती है वहाँ भी लगा देना एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब ये थोड़ा अच्छा सवाल है एंटीरियर पुट्यूटरी जो आपकी होगी भाई ये एंडोडर्मल होगी तो ऐसे सवाल ही पूछते हैं जानबूझ के ना एंटीपिडूट्री आपकी कैसी है एंडोडर्मल थायमस ग्लैंड एंडोडर्मल है थायरॉयड ग्लैंड एंडोडर्मल है ये थोड़ा सा अच्छे सवाल है इन तीनों को जरूर याद रखना चलते हैं नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट है आपकी पैरा ग्लैंड तो पैरा ग्लैंड भी आपकी कैसी होती है एंडोडर्मल होती है लाइनिंग ऑफ वजाइना वो भी ट्यूब जैसा है तो वहां भी ये मिलेगा यूरिथ्रा भी ट्यूब है तो वहां भी एंडोडर्मल होगा ठीक है जी याद नहीं रहा तो आप इसको तुक्का मार देना फिर ये सवाल है देखो यार डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सस फ्रॉग और ये सब देखना पड़ेगा बर्ड का चिक्का ये इसके सवाल आपसे होते नहीं है तो यहाँ लिखा है डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सस इनडायरेक्ट है लार्वा होता है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ फ्री स्विमिंग लार्वा है इससे भी हमें कोई मतलब नहीं कुछ नहीं आएगा एग इसका माइक्रोल इसी तला पीछे हमने देख लिया है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा तो एग दे रहा है तो मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल याद कर लेना क्लीवेज जो है वो इसका होलो है हमने पीछे बताया था भैया एम्फी में आपका इक्वल होलो है कैसा है जी इक्वल होलो याद कर लेना भाई इक्वल होलो होगा इंपॉर्टेंट है बहुत फिर ये चौसठ सेल का मोरूला बना लेता है ये थोड़ा ध्यान रखना फर्दर क्लीवेज रिजल्ट इन द ब्लास्टूला उसके बाद ब्लास्टूला बनता है फिर उसके बाद गैस्टूला बनता है कोई चक्कर नहीं है कुछ नहीं याद करना और डिप्लो ब्लास्टिक और टू लेट गेस्टोलाइज फॉर्म ड्यूरिंग गेस्टोलेशन सेकेंडरी कैविटी और आर्गेंट्रॉन फॉर्म्ड होगी तो शुरुआत में आपको पता ही है शुरुआती जो होते हैं मतलब जो एमनियोट्स एनामनियोटा होते हैं उनमें आपका आर्गेंट्रोक की जो बन बनती है उसके ऊपर ब्लास्टोपोर भी पाया जाता है और यहाँ लिखा है देखो एम्बोली हुई है इन्वेजिनेशन हुआ है एपीबोली नहीं हुई है ये भी सवाल आपके पेपर में आएगा एम्बोली वाला ठीक है ना ये याद कर लेना नेक्स्ट है आर्केंट्रोन ओपन टू द एक्सियर कुछ नहीं करना ब्लास्टोपोर से बाहर खुलती होती है आर्केंट्रोन फॉर्म द फ्यूचर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वाइल द ब्लास्टोपोर परसिस्ट एज ए एन तो ब्लास्टोपोर आपका एनस बनाता है तो ध्यान रखना जहाँ ब्लास्टोपोर आपका एनस बनाएगा वो ड्यूटेरोस्टोमिया शुरू हो गया है बस ठीक है जी ड्यूटेरोस्टोमिया है मतलब ये नेक्स्ट है द ऑफ एम्फ्योक्स इज एंटेरो तो भाई जहाँ ड्यूटेरोस्टोमिया है ना वहाँ एंटेरोसिलोम है ये याद कर लेना जहाँ ड्यूटेरोस्टोमिया है वहाँ एंटेरोसिलोम है बस बात खत्म डायरेक्ट फ्रॉम द आर्क नेक्स्ट है जी ऑर्गेनोजेनेसिस तो भैया इससे कुछ नहीं करना है ना कोई सवाल आएगा ये छोड़ देना है सारा कुछ सारा कोई सवाल नहीं आएगा नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फ्रोग फ्रोग के डेवलपमेंट में यहाँ पे आओ ऊपर यहाँ लिखा है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टेकिंग प्लेस इन वाटर तो पता ही है सबको पानी में होता है इसमें लिखा है फर्टिलाइजेशन के बाद विटालाइन मेमरेन ऑफ एग बिकम द फर्टिलाइजेशन मेमब्रेन तो आपको पता ही है जो विटेलाइन मेमब्रेन होती है वो फर्टिलाइजेशन मेमब्रेन बन जाती है जिसके बाद नो मोर स्पम विल एडिट उसके बाद दूसरे स्पम ऐड नहीं होते हैं फर्टिलाइशन इज होलोड बाई द अन यार ये आया था यार इस बार ना बच्चों का यार सवाल ये थोड़ा टफ था ना टफ तो नहीं था याद नहीं रहता है ये ना प्रॉब्लम ये है कि होलो प्लास्टिक क्लीवेज था अन यार ये याद कर लेना जरूर ठीक है कुछ पता नहीं वापस आ जाए कुछ पता नहीं है फर्स्ट क्लीवेज फ्रॉग इज़ वर्टिकल एंड मेरेडाइनल पहला क्लीवेज वर्टिकल मेरेडाइनल होता है दूसरा भी वर्टिकल मेरेडाइनल होता है तीसरा आपका हॉरिजॉन्टल एटीट्यूडनल होता है आफ्टर द फिफ्थ क्लीवेज पाँच क्लीवेज के बाद सवाल ये भी आता है देखो यार ये गलत नहीं है आसान सवाल है दो चार छः आठ दो चार आठ सोलह बत्तीस तो ये बच्चों को ना बत्तीस सेल बनाने में पाँच डिवीज़न होते हैं यही गलती कर देते हैं बच्चे ये ऐसे ही नहीं दिया गया इसको याद करना है कि बत्तीस सेल बनाने में पाँच डिवीजन होते हैं सवाल आएगा ये ठीक है उसके बाद वो आपका बन जाएगा ब्लास्टुला होलो बॉल ये सवाल देखो मैंने बताया था अभी अगर ब्लास्टूला पूछा तो होलो बॉल आएगा पेपर में सॉलिड बॉल आया तो मतलब मोरूला है नेक्स्ट है गेस्टुलेशन इन्वॉल्व ई पी बोली गेस्टुलेशन में आपका ई बोली होती है दे के आर पीछे था एम्बोली यहाँ ई बोली भी है एम्बोली भी है एम्बोली में भी इन्वेजिनेशन होता है जो कि आपका दो लेयर का गेस्टोला बना देता है इट इज अ केविटी इज कोल्ड आरकेंट्रोल कैविटी यहाँ भी इसकी क्या कहलाती है आर्केंट्रोन कहलाती है उसके एंड में गेस्टोलॉ के बाद में आपकी न्यूरल ग्रूव बन जाती है और फॉर्म इन द अर्ली न्यूरल स्टेज फर्दर न्यूरल ग्रूव इज चेंज इन टू द न्यूरल ट्यूब विद द कैविटी कोल्ड न्यूरोसील द इंटर एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब फॉम द ब्रेन एंड नैरो एंड ऑफ द स्पाइन कोड एंड न्यूरोला तो यार ये देखो वो तो पता है सबको एंट्री पार्ट में ब्रेन बनेगा पीछे जो है वो आपका स्पाइनल कोड बनेगी कुछ नहीं आएगा ये कोर्डा सेल ऑफ लाइंग इन द मिड डोर्सल रीजन ऑफ द रूफ सेपरेट फ्रॉम अदर मीजो डरमल सेल एंड फ्राम द नोटो कोड तो ये थोड़ा सवाल पढ़ लेना एक बार ध्यान से कि कोर्डा सेल्स होती हैं जो कि आपकी क्या बनाती हैं नोटो बनाती होती हैं सिलोम यार यहाँ पर ये साइजोसिलोम गलत है एंटेरोसिलोम आपकी होती है ये ध्यान रखना ठीक है मीजोडम से घिरी हुई होगी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ठीक है ये इंपॉर्टेंट है बहुत 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 ज़्यादा द कैविटी इज लाइन बाय द मीजोडम फ्रॉम द बोथ साइड इज गोल्ड एज द यूसिलोमेट इन फर्दर यूसिलोमेट दे आर एंटेरोसिलोमेट उसमें भी आपके ये एंटेरोसिलोमेट होते हैं ये इंपॉर्टेंट है याद कर लेना हैचिंग आकर अबाउट टू वीक्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट लाइन है हैचिंग आपकी दो हफ्ते बाद होती है बाकी कुछ नहीं याद करना छोड़ देना ठीक है जी टैडपोल लार्वा जो होता है उसका वो आपका दो तीन हफ्ते में बन जाता है मेंढक ठीक है और फाइनली आपको पता ही है टेडपुल लार्वा में टेल जो होती है वो आपकी लाइजोजोमल एंजाइम कहते हैं कैथेप्सन डी होता है जो कि उसको रिमूव कर देता है और आपको पता है इसकी जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें आपकी थायराइड ग्लैंड का बहुत रोल होता है तो ये सवाल आता है बहुत बार कि थायरॉयड अगर उसकी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा तो भैया वो मेटामॉर्फोसिस उसकी रुक जाएगी अगर ऐसा हुआ most, most, most तो द नेक्स्ट वन इज़ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट दैट इज डेवलपमेंट ऑफ चिक तो भैया चिक का डेवलपमेंट है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो उसको देख लेते हैं क्या है फर्टिलाइशन इज इंटरनल तो यार चिक में फर्टिलाइशन देखो यार इंटरनल होता है वहाँ आपका पीछे जो था वो एक्सटर्नल फर्टिलाइशन था अपर पार्ट ऑफ दिडक्ट में आपका ये होता है एंड द एग इज लार्ज एंड इलिप्टिकल विद वन द्रोड्रैंड कुछ नहीं करना है छोड़ दो यार ये लाइन ना पत्थर की लकीर है इसको पांच बार पढ़ो पोलिसल मैक्रोलिसल टीलोलिसल क्लेडोई कैग होते हैं जी भाई ये बस ये समझ लो कि नेक्स्ट पेपर में रखा है ये सवाल आया रखा है कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी इसको पोलोलिसल मैक्रोलिसल टीसो टीलोलिसल क्लेडोई एग होते हैं इनके ऊपर शेल पाई जाती है एग जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल का कवर होता है जो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जाने देती है गैसेज वैसेज को एंड द क्लीवेज इज डिस्कॉर्डल एंड मीरोस्टिक गिविंग राइज टू दूडो ब्लास्टुला तो यार ये तो हमने पीछे देख लिया बर्ड में आपका क्लीवेज जो है वो डिस्कॉर्डल है मीरो ब्लास्टिक है एंड उसके श्यूडो ब्लास्टुला बनाता है फिर तो उसके मैंने लिखा है कि इंक्यूबेशन इज द वार्मिंग ऑफ द एग बाय द बॉडी हीट वॉन ऑफ वन गैलस और बोथ कोलंबा मतलब कोलंबा लीबिया में दोनों करते थे यार देखो ये सवाल बनेगा ना क्योंकि कोलंबा आपके कोर्स में है तो यहाँ से पूछा जाएगा कि भैया ये दोनों करते हैं मतलब आपके उसको क्या बोलते हैं उसको हैचिंग को एंड इज कैर बाट अनटिल हैचिंग ऑफ द यंग टेक्स प्लेस इट लास्ट अबाउट द ट्वेंटी डेज ऑफ चीक मतलब इक्कीस दिन लगते हैं तो ध्यान रखना एंड द uh, द ये सवाल है ड्यूरिंग एस्टोलेशन द बिगनिंग ऑफ द प्रेमेटिव ये सवाल बस ये समझ लो कि तो अब ऐसा चल गया ना कि ये पेपर में छपता है इसके बिना पेपर छपते नहीं है ध्यान रखना ड्यूरिंग एस्टोलेशन द बिगनिंग ऑफ द प्रमेटिव स्ट्रीक स्टार्ट आफ्टर थ्री टू फोर आवर तीन चार घंटे बाद शुरू हो जाता है प्रेमटिव स्ट्रीक बनना प्रेमेटिव स्ट्रीक बिकम प्रोमिनेंट आफ्टर अबाउट ट्वेल्व आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन बारह घंटे बाद आपका प्रेमटिव स्ट्रीक बनना शुरू हो जाएगा ये ध्यान रखना प्रेमेटिव स्ट्रीक कंप्लीट हो जाएगी अट्ठारह घंटे में भाई इसको याद कर लेना अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिक अफ प्रीमेटिव ग्रूव इज फॉर्म्ड आगे जा करके विश एंटीरियरली पे उसमें प्रीमेटिव पिट पाया जाता है उसके आगे एक नोड होती है हैंसन नोड हैंसन नोड के ऊपर जो सेल्स होती है वही आपके नीचे जा करके नोटो बनाती होती है मिजोडम की सेल होती है हैसन नोड के ऊपर वाली वही आपकी नोटो बनाती होती हैं तो ये थोड़ा सवाल है अच्छे लेवल का पीजीटी में आता है यहाँ भी पूछ सकते हैं हैंसन नोड कहाँ मिलती है प्रीमेटिव स्ट्रीक मान लो ये है तो उसके आगे ऐसे गोला सा टाइप का होता है इसको बोलते हैं हैंसन नोड ठीक है जी फेंट ग्रू होती है एक ये तो इसको एंसर नोट बोलते हैं एंड एंड इज फॉर्म द प्रजेम्टिव नोटोकोड एंड फ्लोर ऑफ द न्यूरल ट्यूब तो यार ये प्रेजम्पटिव नोटोकोड मतलब यहाँ से नोटोकोड बनने वाली होती है उससे बनती है एंड ऑन अदर साइड ऑफ द नोटोकोड दोमेटिक बिकम ट्रांसफर्टेड सेगमेंट इन टू सीरीज ऑफ मुजुबलास्टिकोमाइट कुछ नहीं आएगा छोड़ दो तो पेपर में ये लास्ट बस ये तीनों तो बस पक्के आएंगे ये लाइन तो इसके बिना पेपर नहीं आएगा फर्स्ट पेयर ऑफ सोमाइट इज फॉर्मड एट अबाउट ट्वेंटी आवर्स ऑफ इनक्यूबेशन भाई याद कर लो बीस घंटे बाद बनता है पहला पेयर चौबीस घंटे बाद तीन से चार पेयर दस घंटे बाद सॉरी 33 घंटे बाद दस पेयर हो जाते हैं और फाइनली बावन हो जाते हैं जिसमें से दस पेयर जो होते हैं डी हो जाते हैं तो यार ये पत्थर की लकीर है पहला पेयर बीस घंटे बाद ठीक है जी चौबीस तो घंटे में तीन से चार पेयर तैंतीस घंटे में दस पेयर और बावन पूरे हैं टोटल बनते हैं फिफ्टी टू जिसमें से टेन हो जाते हैं डी जनरेट सिलोम जो है यार यहाँ लिखे साइज जो सिलिक होती है पर नहीं एंटरोसिलिक होती है ये पता नहीं क्यों साइज जो सेलिक लिखी है गलत ही है ये ठीक है एंटरोसिलोम है यहाँ भी मिजोरम से घिरी हुई है एंटरोसिलोम है गट से निकल के बनती है एंटरोसिलोम वो होती है जो गट से बाहर आती है और मतलब तीसरे दिन हो जाती है इनक्यूबेशन के शुरू तो यार इससे में कोई मतलब नहीं है अब कोई सवाल आगे आने वाला नहीं है फिर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्रेन तो ये सवाल पूछ लेते हैं आपसे यहाँ से एमनियोटा कौन होते हैं तो आपको पता होना चाहिए एमनीटा रेप्टाइल बर्ड और मैमल्स होते हैं प्लीज़ ध्यान रखना रेप्टाइल बर्ड और मैमल एमनीटा होते हैं यहाँ एमनियन मिलती है तो सवाल आएगा आपका देखो ये वाले वो वहाँ पर आते थे कि कॉरियन जो है वो किससे बनती है हमारे में ह्यूमन में पूछते हैं ना वो यहाँ ह्यूमन का तो यहाँ है नहीं तो पूछते वरना फिर कॉरियोन किससे बनती है ध्यान रखना आउटर फिटर मेम्ब्रेन कोरियन होती है वो प्रस्पारेशन के लिए और इन एसोसन विद एलेंटोइस के साथ में मिलकर के उसका काम करती है एमिनोन जो है वो आपकी एमनियोटिक क्लियर एमनियोटिक फ्लूड भरा जाता है कैविटी के ऊपर की लेयर होती है एंड इट प्रोटेक्ट द एमियो फ्रॉम द शॉक एमिनियोसेंटेसिस का आपको पता ही होगा ये बच्चे के सेक्स को जानने के लिए हम लोग करते हैं गलत है तरीका ठीक है ना ऐसा करना चाहिए नेक्स्ट है एलेंटोइस तो यार सवाल जो पेपर में छपता है ना वो एलेंटोइस के आता है ये गारंटी है सवाल ये आता है एलेंटोइस जो है क्या करती है भैया रेस्परेशन का काम करती है न्यूट्रिशन का, का काम करती है एक्सप्रेशन का काम करती है और इसको हम किससे रिजेंबल करते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इज दैट दैट एलेंटोइस तो इज ऑल्सो गोल्ड एज द एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर तो मतलब ये सवाल फंसने वाला है पेपर में ये 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 एलेंटोइस किससे मैच करती है एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर से मैच करती है भाई साहब क्योंकि ये जो है एक्सप्रीशन में भी मदद कर रहा होता है ये स्टोर करके रखता है सारा कूड़ा करकट एलेंटोइस ना तो हमारे में तो ये प्लेसेंटा तो नहीं बनाता अम्बिलिकल कोड बनाने में काम आ जाता है फिर है जी सैक देखो यार योक जो है आपकी मेम्ब्रेनस सैक होती है प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम बनाती होती है विच डिजोल्व योक एंड इट एब्जोल्व द डिजोल्व योक एंड सप्लाई टू द दे डेवलपिंग एमयू और ये शुरुआत में आपको पता ही है ये सवाल इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत में ये ब्लड बनाने में काम आती है अर्ली ब्लड की आरबीसी फॉर्मेशन जो है वो आपकी योक का काम होता है प्लीज़ 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 याद रखेंगे योक सेक का, का काम होता है फिर उसके बाद लीवर इस काम को छीन लेता है इससे तो ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिर जेस्टेशन पीरियड कुछ लोगों का पूछ लेते हैं जिसमें से हमें बकवास तो याद नहीं करनी हमें तो रेबिट का करना है बाकी नहीं करना रेबिट सवाल है पेपर में आएगा कोर्स में है बकवास पूछी नहीं जाएगी बाकी और रेबिट रेबिट रैबिट रेबिट रेबिट पढ़ना है ठीक है अट्ठाईस से तीस दिन बस यही बाकी का एक बार तुम्हें ठीक लगता हो पढ़ लो ना मैं तो पढ़ने को कहूँगा नहीं ठीक है जी चलिए जी नेक्स्ट है प्लेसेंटेशन तो भैया यहाँ तो बकवास से सब लिखा हुआ तो अभी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा है इसको बस एक बार देखना है जैसे यहाँ लिखा है कोरियोविटालाइन प्लेसेंटा बस याद करना है आपको कुछ नहीं पढ़ना तो कोरियोविटालाइन शुरुआत में योग से को, कोरियोन बनाती है मेटा मेटाथीरियन जो मार्सुपियल्स होते हैं कंगर वगैरह उनमें मिलता है कोरियो एलेंटोइक ये आपका ह्यूमन को छोड़ करके ठीक है ना ऑल यू थीरियंस जो ह्यूमस होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता उसको छोड़ करके आपका बाकियों में कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा होता है तो हमारे में कोरियोन बनाती है केवल तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे में कोरियोन बनाती है प्लेसेंटा तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई तो तीनों लाइनों को याद रखोगे ह्यूमन में कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है आएगा नहीं पेपर में ये भी छोड़ दो फिर यहाँ आ जाओ जी ये छः लेयर आपके प्लेसेंटा में मिलती होती हैं छः बैरियर होते हैं भाई एक बार बस बैरियर को पढ़ लो ऐसे ही खाली पीली फिर हमें तो यही याद करना है कौन से में कम बैरियर होते हैं कौन से में ज़्यादा बैरियर होते हैं ये इसमें एक देखो बच्चे की तरफ माँ की तरफ जाओगे तो मेटर्नल ब्लड वेसल्स होती हैं एक उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होता है फिर फिरपिथीलियम होती है यूट्रस की तीन तो ये माँ की तरफ है कोरियोनिकपिथीलियम कोरियोनिकलेंटोक मिजोरम एंडोथीलियम ओब्लड ये बच्चे की तरफ के हैं तीन तो हमारे में तो भैया माँ की तरफ के तीनों खत्म हो जाते हैं बच्चे की तरफ के तीन बचते हैं तो बाकी आप देखो आगे कौन कौन से टाइप का है तो ये देखो जी सव, सवाल है जी सारे छः के छः किस में मिलते हैं तो हमारे पेपर में तो ये आएगा नहीं क्योंकि हॉर्स पिक एस लेमूर कुछ भी कोर्स में नहीं है तो ये सवाल आएगा नहीं फिर भी देख लेना एक बार इसको कहते हैं एपिथीलियो कोरियल फिर है सिंडेसमो कोरियल सिंडासमो कोरियल काऊ शेप कैमल तो भैया काऊ इसका सवाल बन सकता है एक बार इसको देख लेना काऊ एग्जाम्पल बस जिसमें आपके पाँच बैरियर बचते हैं जिनमें से एक जो है वो माँ की तरफ से बीच में से ख़त्म हो जाता है इपिथीलियम जो होती है यूट्रस की वो खत्म हो जाएगी ठीक है जी रूबीनेंट्स में ऐसा होता है बाकी तो यूरोन्न तो आप पहचान ही लोगे जौन सा होगा नेक्स्ट है एंडोथीलियो कोरियल तो यार ये है ओनली चार बैरियर बचते हैं तो भाई जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें आपका चार होते हैं चार मतलब कार्निवोर तो बस याद करना चार मतलब कार्निवोर तो आप देख लोगे एग्जाम्पल कौन सा होगा ठीक है जी नेक्स्ट है हीमो कोरियल प्लेसेंटा तो भाई ये है हमारा तो हमारा तो आ जाता है पेपर में फिर भी सिलेबस स्विल में हो ना हो तो आ ही जाता है हमारा तो यार मंकी में ह्यूमन में एफ से प्राइवेटा बुद्धिजीवी जो होते हैं उनमें आपका ये मिलता है जिसमें माँ की तरफ वाले तीनों बैरियर खत्म हो जाते हैं तो नाम बस याद करो एक हीमोकोरियल प्लेसेंटा नेक्स्ट यदि हीमो एंडोथ प्लेसेंटा यार रेड रैबिट देखो तो यार रैबिट है ना कोर्स में यही है बस खेल सारा याद करना है हीमो एंडोथ प्लेसेंटा बास ओनली वन बैरियर सवाल आएगा मिनिमम नंबर ऑफ बैरियर किसमें है तो आपका आंसर होगा रेबिट रेट ही होगा रेट तो आएगा नहीं ठीक है जी तो भाई देख लो इसमें एक बैरियर होता है एंडोथीलियम ऑफ फीटल कैपिलरीज एग्जिस्ट बिटवीन फीटल एंड ब्लड ऑफ द मेटरल ब्लड माँ की तरफ से तो ब्लड होता है बच्चे की तरफ से एक एंडोथीलियम होती है बस तो ये है आपका यहाँ प्लेसेंटा के टाइप्स ठीक है जी तो ये यहाँ तक जो है भाई साहब आपका था एम्ब्रियोलॉजी तो इसके बाहर आपका एम्ब्रियोलॉजी का सवाल आएगा नहीं इस बात की आप गारंटी ले लो ज़्यादा बातें बकवास करनी मेरे को आती नहीं है फालतू की ना मुझे चैनल की बातें करनी कि ये कर दो वो कर दो टाइम बढ़ाना बिना मतलब का टाइम फालतू लोग बढ़ाते रहते हैं तो हमें तो काम की बात करनी है तो आप इस वीडियो को अगर देखोगे तो आपका फ़ायदा हुआ होगा है ना तो बाकी जो भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में आके बताना मैं फिर भी मदद करने की कोशिश करूंगा ठीक है ना तो पी के लिए मैं आपकी अच्छे से बहुत ज़्यादा मदद करने वाला हूँ क्योंकि टी तक तो ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पाएंगी मुझे बाद में ख्याल आया कि कुछ करना चाहिए ठीक है ना तो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए जिसने देखी है उसका धन्यवाद जिसने नहीं देखी वो बेचारा देख लेगा उसकी गलती होगी उससे नहीं देखी गई तो धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया बहुत, बहुत बहुत मिलते हैं भाई बाद में ठीक है बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी थैंक यू